बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। सोमवार को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मेघा के रूप में हुई है। मेघा से पूछताछ जारी है। इस मामले की जांच के लिए 6 टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या की पूरी योजना अभिजीत ने बनाई थी और अब दिव्या की बहन ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या मामले में एक और गिरफ्तारी होती है। सोमवार को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मेघा के रूप में हुई है। मेघा से पूछताछ चल रही है। इस मामले की जांच के लिए 6 टीमें तैनात की गई है, लेकिन अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पर अभी तक दिव्या पाहुजा का शव बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिव्या पाहुजा हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी अभिजीत की मेघा नाम की दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 2 जनवरी को दिव्या की हत्या के बाद उसने अभिजीत की मदद की थी और सबूतों को मिटाने का काम किया था, और इसका पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली 20 साल की मेघा आरोपी होटल मालिक अभिजीत की दोस्त है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में उसने ये बात कबूल की कि वो वारदात वाले दिन अभिजीत के बुलाने पर सिटी पॉइंट होटल पहुंची थी। उसने वहां दिव्या का खून से सना शव भी देखा था। सूत्र बताते हैं कि उस दौरान आरोपी अभिजीत ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद मांगी थी, और आरोप है कि मेघा ने दिव्या की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, उसके दस्तावेज और उसका सामान छिपाने में अभिजीत की मदद की थी। जांच में ये भी पता चला कि मेघा फूड डिलीवरी का काम करती है। 2 जनवरी को गुरुग्राम के होटल में दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इस घटना के 6 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस को उसका शव नहीं मिला। हालांकि गुरुग्राम पुलिस शव ढूंढने के साथ उन 2 लोगों की तलाश में भी जुटी है, जिन पर दिव्या के शव को ठिकाने लगाने का आरोप है। मॉडल दिव्या की बहन नैना ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस की कार्यशैली के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिव्या पाहुजा की बहन ने खास बातचीत की न्यूज 18 इंडिया से। वो हरियाणा पुलिस की कार्यशैली के ऊपर भी सवाल उठा रही है, और इसी के साथ ही इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई करे, ऐसी दरख्वास्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। क्या पूरी ये घटना रही, कब दिव्या जो है अभिजीत से मिली और किस तरह से पूरी घटना घटी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मेरी लास्ट बात जो थी वो दिव्या से 2 जनवरी को हुई थी। 2 जनवरी को 12 बजे उससे मेरी आखिरी बात हुई थी, और उसके अंदर दिव्या ने मुझे मेंशन किया था कि वो आधे घंटे में घर आ रही है। लेकिन जब मेरे को उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, तब मैंने उसको सीख करना शुरू किया, क्योंकि उसकी और मेरी लोकेशन शेयर रहती है। उसके बाद जो उसकी लोकेशन थी वो दिल्ली की आ रही थी। फिर मैं अभिजीत के होटल में पहुँची, अभिजीत का मैंने वहाँ पर नंबर लिया, वहाँ पर उसके लोग बैठे थे, तो मैंने उससे नंबर मांगा। उसको मैंने बोला कि दिव्या कहाँ है, तो उसने बोला कि मैंने उसको 11 बजे गुड़गांव में छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसको 2-3 बार बोला कि उसकी जो लोकेशन है वो तेरे घर की आ रही है बार बार, तो उसने बोला कि नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं चेक करता हूँ ये वो। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मुझे बलराज मिला, और उसने मुझे दिव्या का फ़ोन दिया। और जब उसका आईफोन जो अभी भी मिसिंग है, उसकी लोकेशन मैंने देखी तो वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की आ रही थी, जहाँ पे वो लास्ट लोकेशन दिखाई थी, और वहीं से मुझे हुआ कि दिव्या को इसने कुछ कर दिया है।